So guys, finally, यहाँ पे हमारे पास जो PS5 है वो आ चुका है और आप देख सकते हो कितना मैसिव सा बॉक्स पैकेजिंग यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया है। गाइज ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ये है ऑप्टिकल ड्राइव वेरिएंट जिसकी प्राइसिंग है 49,990 रुपीज और इसका एक डिजिटल वेरिएंट भी आता है जिसकी प्राइसिंग है 39,990 रुपीज। और गाइज PS5 जो है मोस्ट अवेटेड कंसोल है, बहुत सारे सालों से लोग वेट कर रहे थे। हालांकि 5 साल पहले PS4 उन्होंने लॉन्च किया था और उसके बाद 5 साल बाद PS5 यहाँ पे फाइनली आ चुका है। और गाइज भाई मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे अनबॉक्स करने के लिए क्योंकि यहाँ पे ये प्रैक्टिकली सपोर्ट करता है 4K एट 120fps या फिर 120Hz और 8K भी सपोर्ट इसमें देखने मिलता है गेमिंग के लिए। सो भाई अल्टीमेट कंसोल है। सो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो यहाँ पे बॉक्स के आगे की तरफ आपको PS5 की बैजिंग देखने मिलती है, वो एक्चुअल कंसोल की इमेज उन्होंने प्रोवाइड की है और यहाँ पे आपको 8K गेमिंग, 4K एट 120Hz और HDR सपोर्ट भी देखने मिलता है। बॉक्स के साइड में यहाँ पे आपको उसकी MRP और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की है और पीछे की तरफ यहाँ पे लिखा है प्ले लाइक नेवर बिफोर और ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है इसमें आपको 825GB स्टोरेज प्रोवाइड किया है। सो गाइस जैसे हम इसे अनबॉक्स करते हैं यहाँ पे अंदर की तरफ आपको और एक बॉक्स पैकेजिंग उन्होंने प्रोवाइड किया है जिसके अंदर सबसे पहले आपको इसका वारंटी गाइड उन्होंने प्रोवाइड किया है। उसी के साथ नीचे की तरफ यहाँ पे आपको 2 बुकलेट्स देखने मिलते हैं जो है बेसिकली इसके यूजर मैनुअल्स और फिर यहाँ पे उन्होंने HDMI केबल प्रोवाइड किए। उसी के साथ यहाँ पे आपको पावर कॉर्ड इसकी देखने मिलती है और उसी के साथ यहाँ पे उन्होंने टाइप सी केबल भी प्रोवाइड की है और फिर यहाँ पे आपको देखने मिलता है इसका सबसे क्रूशियल कंपोनेंट जो है डुअल सेंस कंट्रोलर। और गाइज ये काफी बढ़िया टेक्सचराइज मटेरियल में उन्होंने प्रोवाइड किया है, काफी बढ़िया इसकी फिनिशिंग है। तो फिलहाल हम इसे रखते हैं साइड में और यहाँ पे दूसरे कंपार्टमेंट में आपको उसकी एक बेस प्लेट देखने मिलती है जो एक सर्कुलर बेस प्लेट है। तो इसके ऊपर बेसिकली आपका जो PS है उसे आप माउंट कर सकते हो। एंड गाइज फाइनली यहाँ पे नीचे की तरफ आपको उसका क्रूशियल कंपोनेंट देखने मिलता है जो है वो एक्चुअल PS5। काफी बढ़िया पैकेजिंग उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड की थी। सो भाई सबसे पहले बात करेंगे इसके बिल्ड क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी बट ऑब्वियस अच्छी है। डिजाइन की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको साइड पैनल्स देखने मिलते हैं जो कम्प्लीटली यहाँ पे व्हाइट कलर में आते हैं। अंदर की तरफ उन्होंने यहाँ पे PS के फेस बटन्स का टेक्सचर प्रोवाइड किया है जो इसे काफी बढ़िया लुक देता है और यहाँ पे कंप्लीट फ्यूचरिस्टिक सा ये मशीन लगता है। जहाँ पे यहाँ पे ब्लैक कलर का उन्होंने काफी बढ़िया फ्लो प्रोवाइड किया है जिसके साइड में आपको वेंट्स यहाँ पे देखने मिलते हैं एयर फ्लो के लिए, बेटर एयर फ्लो के लिए। और यहाँ पे पीछे की तरफ जो भी वेंट्स उन्होंने प्रोवाइड किए वो भी एक काफी फ्यूचरिस्टिक सा लुक देते हैं इस पर्टिकुलर कंसोल को। और गाइस यहाँ पे पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो आगे की तरफ यहाँ पे उन्होंने USB पोर्ट, टाइप सी पोर्ट प्रोवाइड किया है। नीचे की तरफ आपको CD इजेक्शन टूल, पावर ऑन का बटन देखने मिलता है और गाइस यहाँ पे उन्होंने ऑप्टिकल ड्राइव का स्लॉट प्रोवाइड किया है और यहाँ पे पीछे की तरफ आपको 2 USB 3.0 उन्होंने प्रोवाइड किया है। लैन पोर्ट आपको देखने मिलता है, HDMI पोर्ट और पावर का इनपुट। और गाइस उसी के साथ इस पर्टिकुलर कंसोल को आप माउंट कर सकते हो इसके सर्कुलर बेस प्लेट पे कुछ इस तरीके से, काफी सिंपल है, बस आपको स्लाइड करना है और यहाँ पे ये इजीली माउंट हो जाएगा। एंड गाइस फिर हम बात करेंगे इसके डुअल सेंस कंट्रोलर की। और गाइस ये जो पर्टिकुलर कंट्रोलर है ये सबसे बेस्ट कंसोल कंट्रोलर है करंटली मार्केट में अवेलेबल। और यहाँ पे आगे की तरफ आपको PS का लोगो उन्होंने प्रोवाइड किया है जिसे प्रेस करते ही यहाँ पे जो कंट्रोलर है वो पावर ऑन हो जाता है। उसी के साथ यहाँ पे जो सिस्टम है वो भी पावर ऑन होती है और यहाँ पे जैसे ही सिस्टम ये पावर ऑन होता है यहाँ पे काफी बढ़िया से ब्लू कलर की लाइटिंग आपको इसमें देखने मिलती है। सो भाई ये एक बहुत ही बढ़िया और तगड़ा सा फील देता है इस पर्टिकुलर डिवाइस को। और उसी के साथ यहाँ पे नीचे की तरफ आपको स्पीकर भी प्रोवाइड किया और यहाँ पे माइक भी देखने मिलता है और उसी के नीचे की तरफ यहाँ पे 3.5mm का जैक और उसका चार्जिंग पॉइंट्स उन्होंने प्रोवाइड किया है। सो प्रैक्टिकली इसका जो चार्जिंग डॉक है उसके ऊपर प्लेस करके आप डायरेक्टली इसे चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको PS के फेस बटन्स उन्होंने प्रोवाइड किए जिसके ऊपर आपको काफी बढ़िया ग्लास फिनिशिंग देखने मिलता है। और आगे की तरफ यहाँ पे उन्होंने जॉयस्टिक्स और नेविगेशन कीज भी प्रोवाइड किया है। सेंटर में यहाँ पे आपको टच पैनल इसका उन्होंने प्रोवाइड किया है जिसके बाजू में यहाँ पे आपको ब्लू कलर की लाइटिंग देखने मिलती है और ये बेसिकली क्लिकेबल भी है। और यहाँ पे पीछे की तरफ उन्होंने अडाप्टिव ट्रिगर्स प्रोवाइड किए जो आपको काफी बढ़िया हैप्टिक फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं। और इसे चार्ज करने के लिए पीछे की तरफ उन्होंने यहाँ पे USB टाइप सी पोर्ट दिया है जिसकी हेल्प से आप बेसिकली इसे चार्ज कर सकते हो। और गाइस इस कंट्रोलर का सबसे बढ़िया फीचर ये है कि ये है 6 एक्शन मोशन सेंसर के साथ आता है। सो बेसिकली कोई भी डायरेक्शन में आप इसे मोड़ दीजिए यहाँ पे प्रैक्टिकली सारे मोशंस इसमें डिटेक्ट होने वाले हैं। सो जैसे मैंने बताया दी बेस्ट कंट्रोलर है करंटली मार्केट में अवेलेबल। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे इसे पावर ऑन करते हैं इसे टीवी के साथ कनेक्ट। सो यहाँ पे जो 4K टीवी है उसके साथ मैं इसे कनेक्ट करता हूँ और जब तक हम इसे सेटअप करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो उसके कुछ की स्पेसिफिकेशंस। सो यहाँ पे आपको AMD का Ryzen Zen 2 8 कोर CPU देखने मिलता है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 3.5 GHz।
AMD का Radeon RDNA 2 बेस ग्राफिक इंजन उन्होंने प्रोवाइड किया है, जो यहाँ पे आता है रे ट्रेसिंग कैपेबिलिटीज के साथ और 16GB का GDDR6 RAM प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो 825GB का NVMe Express का स्टोरेज आपको देखने मिलता है, जिसकी प्रैक्टिकल स्पीड है 5.5 GBPS। सो गाइस, यहाँ पे हमने प्रैक्टिकली इसे कनेक्ट किया था 4K टीवी के साथ, बट यहाँ पे हमें एक इशू फेस हुआ जो था HDR कंटेंट उस पर्टिकुलर टेलीविजन पे व्यू नहीं हो रहा था प्रॉपरली, इसीलिए हमने उस टेलीविजन को रिमूव किया। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ LG का 27GN950 मॉनिटर, जो यहाँ पे आता है 4K 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ। तो इसी के लिए मैंने HDMI के थ्रू कनेक्ट किया था, बट यहाँ पे आप रेजोल्यूशन इसका चेक कर सकते हो, ये प्रोवाइड कर रहा है 4K एट 60 FPS। सो भाई 4K एट 60 FPS हम लोग गेम करेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर मॉनिटर में आपको HDR कंटेंट देखने मिलता है। सो आपको जो विजिबिलिटी है या फिर जो कलर्स है काफ़ी ब्राइटली विजिबल हो जाते हैं HDR में, इसलिए यहाँ पे हमने मॉनिटर में इसे कनेक्ट किया है। एंड जी हाँ गाइस, पहले जैसे मैंने बताया इस पर्टिकुलर कंसोल का मैक्स रेजोल्यूशन है 8K, 4K पे 120Hz या फिर 120 FPS पे आप इस पर्टिकुलर कंसोल पे गेमिंग कर सकते हो। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इसके ओवरऑल इंटरफेस की। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको गेम मोड देखने मिलता है, जिसमें आपको जो इंस्टॉल गेम्स है वो आपको विजिबल हो जाते हैं। और अगर आपको एक्सटर्नल यहाँ पे गेम्स डाउनलोड करने हैं तो यहाँ पे जो इसका ऑनलाइन स्टोर है उसकी हेल्प से आप इसमें गेम्स डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको n नंबर ऑफ गेम्स देखने मिलते हैं विद बहुत बढ़िया डिस्काउंट्स। उसी के साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट मोड है वो है मीडिया मोड, जिसमें आपको यहाँ पे Apple TV, Netflix, YouTube, Prime Video, Twitch जैसे कई सारे एप्लीकेशंस देखने मिलते हैं। सो प्रैक्टिकली अगर आप इस पे गेमिंग नहीं कर रहे तो आप YouTube पे, Netflix पे या फिर Prime Videos पे कंटेंट भी वॉच कर सकते हो इस पर्टिकुलर कंसोल की हेल्प से। और फिर मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे इसकी स्टोरेज की, तो यहाँ पे आपको 825GB का स्टोरेज उन्होंने प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर आप सेटिंग्स में जाके देखोगे तो 667GB फ्री है। और अभी मैंने इस पे एस्ट्रोस प्ले रूम का गेम डाउनलोड किया था और डीमन सोल्स जो गेम है उसे डाउनलोड किया था, और यहाँ पे ही ऑलमोस्ट मतलब 667GB स्टोरेज बचा है। और प्रैक्टिकली अगर मैं और 5-6 गेम्स डाउनलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा स्टोरेज कम्प्लीटली फुल हो जाएगा। सो स्टोरेज उन्होंने थोड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ पे देना चाहिए था, बट जी हाँ आप इसमें एक्सटर्नल SSD भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम प्ले करेंगे इसमें एस्ट्रॉइड्स प्ले रूम, और ये काफ़ी यूनिक किस्म का गेम है जिसमें आपको कंट्रोलर्स के सारे फीचर्स और फंक्शंस देखने मिलते हैं कि कैसे आप इसे ऑपरेट कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे पहले मैं कंट्रोलर का डेमो इसमें आपको बताना चाहता हूँ। सो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे एंजॉय कीजिए एस्ट्रॉस प्ले रूम गेम। तो जी हाँ गाइज, यहाँ पे जो एस्ट्रोस प्लेरूम गेम है उसकी हेल्प से आपको कंट्रोलर्स के कई सारे फंक्शन विजिबल हो जाते हैं। स्पेशली गेम खेलते समय इसका जो हैप्टिक फीडबैक है, जो वाइब्रेशन फीडबैक है, वो मुझे यहाँ पे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। और इसका जो 6 एक्शन सेंसर है वो भी मुझे इंप्रेसिव लगा। सो भाई प्रैक्टिकली ये जो कंट्रोलर है भाई बहुत ही तगड़ा कंट्रोलर है। सो अभी टाइम आता है इसमें दूसरा गेम खेलने के लिए। सो यहाँ पे जो डीमन सोल्स गेम है उसे हम यहाँ पे प्ले करते हैं। रेजोल्यूशन यहाँ पे मैंने सेट किया था 4K एट 60 FPS। और गाइज यहाँ पे इस पर्टिकुलर गेम में आपको रे ट्रेसिंग कैपेबिलिटीज भी उन्होंने प्रोवाइड की है, प्लस ये गेम खेलते समय आपको कंट्रोलर में हैप्टिक फीडबैक भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। सो जब भी आप अटैक कर रहे हो इसके ऊपर काफ़ी बढ़िया हैप्टिक फीडबैक आपको देखने मिलता है। एंड जी हाँ गाइज, थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे एंजॉय कीजिए डीमन सोल्स का गेम प्ले। Oh!
सो गाइस यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट एक घंटे से ज्यादा इसके ऊपर गेम्स खेल रहे थे और यहाँ पे ये जो कंसोल है इतना ज्यादा हीट नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर आपको काफी बड़ा सा हीट सिंक उन्होंने प्रोवाइड किया है जो इस ओवरऑल कंसोल को काफी हद तक ठंडा रखता है। सो भाई अल्टीमेट कंसोल है, जितना टाइम चाहिए उतना गेमिंग कीजिए और यहाँ पे प्रैक्टिकली जो वेंट्स भी उन्होंने प्रोवाइड किए वो इसे काफ़ी बढ़िया वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। सो इतना ज़्यादा हीट अप नहीं होने वाला है ये पर्टिकुलर कंसोल। सो जी हाँ गाइज, PS5 विथ डिस्क एडिशन, इसकी प्राइसिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है 49,990 रुपीज़। और गाइज ये कम्प्लीटली बीस्ट मशीन है, अगर आप गेमिंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो आपके लिए अल्टीमेट मशीन है। इंस्टेड कि आप 1.5-2 लाख के PC बिल्ड करोगे, यहाँ पे आपको 50,000 में भाई बहुत तगड़ा मशीन देखने मिलने वाला है स्पेशली गेमिंग के लिए। और भाई मैं तो इसका फ़ैन हो गया, स्पेशली इसका कंट्रोलर जहाँ पे आपको इतने फंक्शंस देखने मिलते हैं इस पर्टिकुलर कंट्रोल में। एंड जी हाँ गाइज, ये था इसका अनबॉक्सिंग एंड इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो। अगर आप चाहते हो इसके ऊपर मैं और वीडियोस बनाऊं या फिर और ज़्यादा हम लोग गेम प्ले करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ज़रूर हम इस पर वीडियो बनाएंगे। सो गाइज बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा।